नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रतिभा ए टू जेड। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। हम अपने बहुत सारे करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूँ। इस संकट के समय में दवाइयों और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये कृत्य मानवता के खिलाफ है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। भारत और कोई भारतवासी हिम्मत नहीं हारेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पीएम मोदी ने कहा, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना की वैक्सीन। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। ऑक्सीजन रेल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत दी है। देश के दूर सुदूर हिस्सों में ये स्पेशल ट्रेन ऑक्सीजन पहुँचाने में जुटी है। देश के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर, लैब कर्मचारी, ये सभी एक एक जीवन को बचाने के लिए 24 घंटे जुटे हैं। आज देश में जरूरी दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। मास्क और 2 गज दूरी के मंत्र को हमें छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।